अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने एथिक्स पे पोस्ट की कि पाकिस्तान के लोगों को एथिकल वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में बहुत लैकिंग है एंड स्किल्स तो साथ साथ सीख रहे हैं बट एथिकल बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह मैं इस पे पूरी सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करूँगा, डिफरेंट डिस्कशन इस चीज़ में की जाएगी किस तरह से आपने हॉनेस्टी का मुजाहरा करना है, किस तरह से इंटीग्रिटी को अपनी डिवेलप करना है, कि आपने ये मेक श्योर करना है कि जो काम कमिट किया जा रहा है उसको डिलीवर भी वैसे किया जाए। यूजली जो लोग अंडर पेड होते हैं अक्सर उनकी शिकायत ही होती है कि जी मुझे तो इस काम के पैसे ही नहीं इतने ज़्यादा मिले, मैं क्यों इतना ऑनेस्टी और इतने एथिकल बिहेवियर के साथ इसको डिलीवर करूँ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस हिसाब से लोग लर्निंग कर रहे हैं स्किल्स की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के साथ साथ अब लोगों को इसमें एथिकली भी चीज़ों को बताया जाए। यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, हज़ारों EVS के अंदर भी फ्री वीडियोज़ मौजूद हैं, एनेबलर्स के इस वक्त जितने भी इस वक्त कैंपस में कोई भी इस वक्त जितने भी बूट कैंप्स होते हैं उससे पहले कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन और एथिकल बिहेवियर के बारे में बात होती है। लेकिन इतने मैस लेवल पे बात नहीं हो रही क्योंकि पब्लिकली बहुत सारे लोग देख रहे हैं चीज़ों को और इस चीज़ों को बार बार एम्फसाइज करना होगा। एंड लेट मी नो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं इंशाल्लाह इस सीरीज़ में जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसमें ये बात क्यों। इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग यू बेनिफिट आउट ऑफ इट।